हेलो फ्रेंड्स, आप सबका काजल की रसोई में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूँ जो आपको बहुत पसंद आएगा। आज की मेरी रेसिपी है मैंगो शेक, जो बहुत ही यूजफुल होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंगो शेक बनाने के लिए मैंने 2 आम लिए हैं जिनको हमने पीसेस में काट लिया है, चीनी 2 टेबलस्पून, ठंडा दूध 1 गिलास या 350 ग्राम, चॉप्ड पिस्ता 7 से 8 पीस, चॉप्ड काजू 7 से 8 पीस, चॉप्ड बादाम 8 पीस, लाल और हरी चेरी 1 टीस्पून, इलायची पाउडर 1 पिंच, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो फ्लेवर के लिए यूज करें, अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून चॉप्ड मैंगो फॉर गार्निशिंग। तो चलिए मैंगो शेक बनाना शुरू करते हैं। मैंगो शेक बनाने के लिए मैंने एक मिक्सी का जार ले लिया है। सबसे पहले मैं उसमें मैंगो डाल रही हूँ। चीनी डाल रही हूँ, इलायची पाउडर डाल रही हूँ और आइस क्यूब डाल रही हूँ। अब हम इसमें 1/3 दूध डाल देंगे, बाकी का दूध हम बाद में यूज करेंगे। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे मैंगो के पीसेस अच्छे से पिस जाएं और एक स्मूथ पेस्ट बनकर तैयार हो जाए। अब हम इसे मिक्सी पे चला लेंगे। देखिए हमारा मैंगो का बहुत ही स्मूथ पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसमें बाकी का बचा हुआ दूध भी डाल देंगे और मिक्सी को एक बार फिर से चला लेंगे। हमारा बहुत ही टेस्टी और क्रीमी मैंगो शेक बनकर तैयार हो गया है। अब मैं इसे आपको सर्व करके दिखाती हूँ। इसके लिए मैंने 2 कांच के गिलास ले लिए हैं। अब मैं इसमें 1-1 टीस्पून मैंगो डाल रही हूँ। अब मैं इसमें मैंगो शेक डाल रही हूँ। अब मैं आपको मैंगो शेक को गार्निश करके दिखाती हूँ। सबसे पहले इस पे कटे हुए मैंगो डाल देंगे। अब हम इसमें काजू डाल देंगे। अब हम इसमें बादाम डाल देंगे, पिस्ता डाल देंगे और इसके ऊपर टूटी फ्रूटी डाल देंगे। हमारा बहुत ही टेस्टी मैंगो शेक बनकर तैयार हो गया है। यह बहुत जल्दी और आसानी से बन जाता है। आप भी इस रेसिपी को इन गर्मियों में अपने घर पर जरूर ट्राई कीजिए। आशा करती हूँ ये रेसिपी आपको और आपके घर में सभी को बहुत पसंद आएगी। मिलते हैं अब एक नई रेसिपी के साथ।